मैं रियाज मोहम्मद आंस इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन 29 जून को जो अपना पेपर होने वाला है 2 दिन बाद में, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना और एग्जाम में अच्छे ढंग से लिखना है, ठीक है। तो उसी में अपन देखते हैं कि बंगाल तथा जो पूर्वी भारत था उसमें जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों के बारे में अपन देखते हैं। तो पहला आंदोलन इसमें है सन्यासी विद्रोह, ये 1769-70 में भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल किसको कहते हैं? वर्षा का बिल्कुल भी ना होना, वर्षा का न होना क्या कहलाता है? अकाल। अब अकाल पड़ जाएगा, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि किसान है वो अपनी फसल है वो उत्पादित नहीं कर पाएगा, फल स्वरूप वो जो कर है उस कर को भी चुकता नहीं कर पाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने, जो अधिकारियों ने क्या किया था, कर में कठोरता, कठोरता से उस कर को वसूल करने लग गए कि किसानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर है फसल पे, तो उसके ऊपर उसमें कठोरता दिखाई। एक तो ऊपर अकाल पड़ रहा है और ऊपर से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उस कर को वसूलने में कठोरता दिखा रहे। सन्यासी क्या करते थे? कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी किया करते थे। सन्यासी क्या करते थे? खेती भी करते थे, इसके साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर क्या था, क्या लगा दिया अधिकारियों ने? प्रतिबंध लगा दिया कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान की जो तीर्थ यात्रा है उसके ऊपर, उस पर नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है कि तीर्थ यात्रा के ऊपर अगर प्रतिबंध लग जाए तो जो श्रद्धालु या जो सन्यासी हैं वो क्या हो जाते हैं, उनसे नाराज हो जाते। अब नाराज होकर के उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी की जो कोठी और जो राज की जो खजाना था कोष, उसको उन्होंने लूट लिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, एक तो अकाल पड़ गया, उसमें उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, कर वसूलने में कठोरता दिखाई। किसने? अधिकारियों ने। सन्यासी कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं करते थे, तीर्थ स्थानों पे आने जाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, सन्यासी नाराज हो गए, नाराज होकर के उन्होंने कंपनी की जो कोठियां वगैरह, जाहिर सी बात है पैसा नहीं, फसल नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंपनी की जो कोठियां थी उसके ऊपर धावा बोल दिया और जो खजाना था उसको लूट लिया। इनका जो उल्लेख है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये आपका सन्यासी विद्रोह। अब आप देखें कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किस प्रकार से हुआ था कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक जटिलता थी, कठोर भूमिकर और स्थानीय शासक वर्गों का जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार था, जिसने किया दिया था शोषण को जन्म दिया, इससे क्या होने लग गया उनका शोषण। एक तो प्रशासन क्या कर रहा है, जटिलता कठोरता दिखा रहा है, एक जबरदस्ती से भूमि कर को वसूल किया जा रहा है, तो इनका उन लोगों का क्या होने लग गया, शोषण होने लग गया। अब एक जो जनजाति थी कौन सी, कोल जनजाति, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, आवाज उठाई उन्होंने इसके खिलाफ कि भाई हमारे पास तो क्या नहीं है, भूमिकर नहीं है, या फिर फसल अच्छी होती तो वो भूमिकर चुकाने में आसानी रहती है, लेकिन यहाँ क्या है, वो कठोरता से उनसे जबरदस्ती से क्या कर रहे हैं, कर को वसूल कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह कर दिया। कौन सी जाति ने? कोल जनजाति ने विद्रोह कर दिया। ये जो अंग्रेज अधिकारी थे 1831 में इनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीन करके बाहरी लोगों को दे दी गई 1831 में।
क्या किया गया, इनकी भूमि को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, छीन लिया गया। ये जो विद्रोह है वो व्यापक स्तर में भारत में फैल गया। कहाँ कहाँ पे, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामाऊ तथा मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में ये फैल गया। एक लंबा जो कार्यक्रम है, लंबा जो विद्रोह चलने के बाद में क्या होता है, विस्तृत सैन्य अभियान से ही यहाँ शांति स्थापित हो सकी। कोलकाता के अंदर स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मेडकॉप ने स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। यानी इसमें क्या किया गया, उन्होंने स्वीकार किया गया, किसने, मेडकॉप ने क्या स्वीकार किया गया, मेडकॉप ने क्या किया, स्वीकार किया गया कि भाई अंग्रेजों की अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट थी। अंग्रेज विरोधी भावना, ये आपका कोल विद्रोह। इसके बाद में देखें आप संथाल विद्रोह। 1855 56 में ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था, जन विद्रोह इसके खिलाफ अंग्रेजों। इसका जो नेतृत्व है वो सुव्यवस्थित और संगठित रूप में देखा जा सकता है। यानी इसमें क्या हुआ था, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, काफी मजबूत आंदोलन ये बन गया था। अब ये जो आंदोलन है वो भारत में कहाँ कहाँ फैला था, वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर। इस विद्रोह का कारण संथाल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना। यानी ये जो संथाल विद्रोह था इसमें दुर्व्यवहार किया गया, किसके साथ किया गया भाई, संथाल के जो लोग थे, संथाल के लोगों पर, किस लिए, भूमिकर वसूलने के लिए क्या किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, यहां तक कि और भी मान लो कि दुर्व्यवहार के अंदर और भी मामले बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने उनके साथ भूमिकर वसूलने के लिए क्या किया था, दुर्व्यवहार किया था। पुलिस का उन्होंने दमन किया था, मतलब पुलिस का सामना किया, एक तरह से उससे उसका विरोध किया तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा वसूली जबरदस्ती वसूली किया जाना। साहूकार और जमींदार वो भी क्या करते थे, कर वसूल करके करते थे। उनका भी व्यवहार क्या रहा, बड़ा ही कठोर व्यवहार रहा, किसका, साहूकार और जमींदारों। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है दो भाई हैं जिनका नाम है सिंधु और कान्हू, सिंधु व कान्हू, सिंधु व कान्हू दो भाई थे जिन्होंने क्या किया था,
कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमने क्या कर दिया है, कंपनी का अंत, और अपने आप को क्या कर दिया, घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। दोनों भाई चिंदु और कान्हू, विस्तृत कार्रवाई की गई। उसके पश्चात 1856 में ये स्थिति क्या आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। और सरकार को व्यवस्थापूर्ण क्या करना पड़ा, संथाल को अलग राज्य या परगना स्थापित करना पड़ा। संथाल क्या हो गया, एक तरह से अलग, संथाल को अलग परगना। अलग परगना बना दिया गया। इसके बाद में आपके दो विद्रोह और हैं, वो देखें जरा, सन्यासी कोल और संथाल, तीन हो गए। अब देखें यहां पे भील, भील देखिए आप, भील विद्रोह, भील जनजाति है वो खानाबदोश जाति कहलाती है। और ये जो पश्चिमी तट का जो इलाका है उसमें रहती है, इसे क्या कहा जाता है, खानाबदोश। सॉरी, खान देश। ये क्या है, जनजाति, कौन सी, भील। पश्चिमी तट के खान देश, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के खान देश देखिए भाई, भील विद्रोह, भील विद्रोह, भील क्या है, जनजाति थी जो पश्चिमी तट के खाना खान देश में इलाके में रहती थी 1812 से 1819 तक। अपने इन लोगों ने अपने जो स्वामी है, इन की भाई मालिक कौन है, उनके ऊपर अधिकार या शासन करने वाला कौन है, अंग्रेज, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया, मतलब संघर्ष करना शुरू कर दिया। कब तक कौन है, कोई कब तक है अपना अपमान या सहन कर सकता है, कभी ना कभी उसको उसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ता था। इस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट होकर के इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकबगजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया, लेकिन वास्तव में उसका जो कारण देखा जाए तो वो क्या है, कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का डर, नई सरकार का भय, मुख्य कारण ये, कृषि संबंधी कष्ट, मतलब लगान या कैसे बोलो इसको,
भील विद्रोह। भील क्या थी? एक पश्चिमी तट के रहने वाली जनजाति थी, पश्चिमी तट के खानदेश इलाके में रहती थी। 1812 से 1819 तक उन्होंने अपने जो स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया। अंग्रेज क्या करते थे, उनका शोषण करते थे, शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका जो मुख्य कारण है वो कृषि संबंधी कष्ट और सरकार, नई सरकार का जो भय है, नई सरकार की जो नीतियां हैं, वही मुख्य कारण था विद्रोह करने का। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लग गई। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। 1831 और 1846 में पुनः विद्रोह किए गए। देखिए एक बार फिर से कि जो ये जो भील विद्रोह है वो भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया। वास्तविक कारण इसका था कृषि संबंधी कष्ट और सरकार की, नई सरकार का भय। अंग्रेज सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लग गई और 1831 तथा 1846 में पुनः विद्रोह हुआ। आगे देखें यहाँ पे 1825 से अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियों इसे दबाने में लगी। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया और 1831 और 1846 में पुनः विद्रोह हुए थे। ये आपका भील विद्रोह, ठीक है। इसके बाद में देखें यहाँ पे रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली ये जनजाति को रमोसी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन की जो पद्धति है और अंग्रेजी जो प्रशासन है उससे ये रमोसी जाति क्या थी, काफी परेशान थी। जाहिर सी बात है अंग्रेजों की जो नीतियां थी, कार्य करने की जो शैली थी और एक उनके जो अधिकारी थे वो उनके ऊपर तरह तरह के क्या करते थे, तरह तरह से उन्हें परेशान किया करते थे, कष्ट देते थे, दुख देते थे, जिससे ये लोग क्या हो गए, दुखी हो गए, एक तरह से नाखुश हो गए, अप्रसन्न हो गए। तो इन्होंने क्या किया था, 1822 में सरदार चितर सिंह ने विद्रोह किया, तो विद्रोह किया और सतारा के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको लूट लिया गया। 1825 ईस्वी में पुनः विद्रोह किया गया इनके द्वारा। अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, ठीक है। ये है आपके बंगाल तथा पूर्वी भारत के जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में। अब आप देखें राजस्थान के जो आंदोलन हुए थे वो भी देखें जरा। पहला आता है आपका इसमें भगत आंदोलन। ये तो राजस्थान के पहला इसमें भगत आंदोलन। अब भगत आंदोलन है वो राजस्थान में क्यों हुआ था, जाहिर सी बात है जितने भी ये आंदोलन हुए हैं ये सारे के सारे अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके विरुद्ध हुए हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, इनका शोषण किया है हर तरीके से, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या उनकी नीतियों के कारण हो, हर तरीके से भारतीय लोगों को परेशान किया गया और भारतीय लोगों ने उनके विरोध क्या किया है, विरोध किया है। तो देखिए यहाँ पे भगत आंदोलन है। बिलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने, कौन है इसमें, गोविंद गुरु, इसने संत सभा की स्थापना की थी। और ये किसके लिए, किसके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं,
भील जनजाति के उत्थान के लिए ये कार्य कर रहे हैं। प्राचीन समय में क्या किया जाता था, छोटी जातियों के साथ बड़ा ही भेदभाव किया जाता था, उनके उनको निम्न श्रेणी में माना जाता था। खास तौर से जो धार्मिक स्थल है या जो सार जो जल स्रोत है वहां पे उनके साथ काफी भेदभाव होता था, और इस भेदभाव के खिलाफ ही आपका जो गोविंद गुरु है उसने इस जाति को अधिकार दिलाने के लिए एक सभा मनाई जिसका नाम है संत सभा। हिंदू धर्म के दायरे को बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की कि हिंदू धर्म के जो दायरे हैं, हिंदू धर्म के दायरे, इसके लिए उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, भगत पंथ की स्थापना की। संत सभा के द्वारा जो राजस्थान के जो भील बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, इडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति के शासन प्रसंकित हो उठा। यानी जब ये हर तरफ इनका प्रचार प्रसार होता है इनके जो विचारों का, तो सामाजिक जागृति से शासन क्या हो जाता है, आशंकित हो जाता है, उसके मन में शंका हो जाती है और बिलों को भगत छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। बिलों को क्या किया जाने लगा, इस भगत को छोड़ने के लिए विवश, छोड़ने के लिए विवश किया गया, बाध्य किया गया कि आप ये जो भगत पंथ है इसे छोड़ दें। इसने कहा यही जो अंग्रेज जब बिलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बेगार कृषि के लिए भी इन्हें बाध्य किया गया। बेगार का मतलब जब आप काम करते हो और काम के बदले आपको मेहनताना या मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है तो वो बेगार कहलाती है, और वो कृषि क्षेत्र में अगर की जाती है तो वो बेगार कृषि होती है, और मजदूरी अगर बिना पैसे की जाती है तो वो बेगार मजदूरी। तो ये बेगार कृषि के लिए उन्हें बाध्य किया गया, किसको, बेलों को। तो उन्होंने क्या कर लिया, इसके खिलाफ जंगलों में उनके अधिकारियों से वंचित किया गया, तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी इनके जो बेलों के कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थे उनको मिलने से इन्हें बाध्य किया गया या रोका गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार और संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की कि ये जो आपका गोविंद गुरु है ये भीलों का मसीहा बन रहा है, और एक तरह से ये क्या कर देगा, भील राज्य की स्थापना कर देगा। इससे आशंकित कौन थे, अंग्रेज, कि ये इन्हीं के लिए कार्य कर रहा है तो अलग से ये भील राज्य की स्थापना ना कर दे, कौन, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1913 को क्या किया गया, डूंगरपुर राज्य में इसको गिरफ्तार किया गया, आपके गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। यही जो मुख्य नेता है किसका, भील आंदोलन का, भीलों के जो अधिकार है उनको दिलाने के लिए कार्य कर रहा है गोविंद गुरु, तो इन्होंने इसको क्या कर लिया, डूंगरपुर राज्य में गिरफ्तार कर लिया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। अब ये कहां चले गए, 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इन्हें क्या कर दिया गया,
छोड़ दिया गया। जाहिर सी बात है इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में इनको छोड़ दिया गया। फिर ये कहां गए? मानगढ़ की पहाड़ियों। अपने साथियों के साथ और अक्टूबर 1913 में इन्होंने अपने साथियों को कहा कि आप सब मानगढ़ की पहाड़ियों में एकत्रित हों, वहां पे सभा की जाए। बड़ी संख्या में भील एकत्रित हुए। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भील क्या हुए? एकत्रित हुए, वो भी किस सहित? हथियारों। मानगढ़ की पहाड़ियों पर वो चले गए अपने साथियों के साथ और वहां एकत्रित हुए थे भील हथियारों सहित। ठीक है, वहां पे सभा हो रही। भीलों की जो एकता है, भीलों की एकता, भीलों की एकता देख करके अंग्रेज जाहिर सी बात है भयभीत हो गए। भयभीत कौन हुए? अंग्रेज, कि भाई इन भीलों में तो एकता कर ली है और अब जाहिर सी बात है अगर एकता होगी तो सामने वाला क्या होगा? परेशान होगा। तो अंग्रेज क्या हो गए? भीलों की एकता से परेशान हो गए। और उस उन्होंने अंग्रेजों ने क्या की? मानगढ़ की जो पहाड़ी है वहां पे सेना भेज दी गई। भयभीत होकर के अंग्रेजों ने क्या भेज दी भाई? सेना भेज दी। कहां भेज दी? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। और मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच करके उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। भीलों को तितर बितर कर दिया, मतलब बिखर गए वो। गोलीबारी की भील क्या हो गए? तितर बितर। मतलब एकत्रित एक जगह थे तो वो इधर उधर बिखर गए। अब जो ये कार्रवाई की गई अंग्रेजों के द्वारा मानगढ़ की पहाड़ी पर गोलीबारी की, तो इसमें 1500 भील मारे गए। कितने भील? 1500 भील इसमें मारे गए। मानगढ़ की पहाड़ी पर मारे गए। किस कारण से? अंग्रेजों की गोलीबारी के कारण। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया। इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? भगत आंदोलन को कुचल दिया गया। जब 1500 लोग मारे गए तो ये आंदोलन क्या हो गया? अंग्रेजों ने इसको कुचल दिया, दबा दिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना दी गई। आपका जो गोविंद गुरु है उसको 10 वर्ष की सजा दी गई। एक ही आंदोलन देखें। अब